सो गाइज, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो जाने के बाद आप अपने इलाहाबाद बैंक का बैलेंस किस नंबर पर मिस कॉल करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और आप अपने इलाहाबाद बैंक का बैलेंस नया नंबर से जानने के लिए सीख लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्योंकि अब जो है इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक हो चुका है, तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अब जो है आपके पुराने इलाहाबाद बैंक का आईएफएससी कोड अब आपके यूज में नहीं आएगा, यानी कि अब आप ट्रांजेक्शन करने के लिए उस आईएफएससी कोड का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आईएफएससी कोड अब जो है यूज में नहीं रहा। तो दोस्तों अब आप अपने इलाहाबाद बैंक का नया आईएफएससी कोड कैसे पता कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, हमेशा की तरह फिर कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिए आगे भी वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं जाना होगा मोबाइल के स्क्रीन पर, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको इस सर्च बार में आपको टाइप कर देना है www.indianbank.in/AMALG AMATION। तो फ्रेंड्स आपको ये लिख टाइप करके आपको इसे सर्च कर देना है। तो जब आप सर्च कर देंगे उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इलाहाबाद और इंडियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऊपर आपको यहाँ 3 लाइन का आइकन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ होम पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ नोटिस आ जाएगा और आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है। तो जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको अपने आईएफएससी कोड का पता करने के लिए आपको यहां 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन मिल जाएगा ओल्ड आईएफएससी कोड का, दूसरा आपको ओल्ड ब्रांच कोड का और तीसरा आपको ब्रांच नेम का। तो आप चाहे तो इन तीनों चीज को डालकर भी अपने ब्रांच का पता कर सकते हैं, या अगर आप किसी एक चीज से ही करना चाहते हैं तो उसको आप यहां पर डाल दीजिए। जैसे मैं अगर ओल्ड आईएफएससी कोड के जरिए करना चाहूंगा तो फ्रेंड्स हम यहां इस बॉक्स में अपना इलाहाबाद का ओल्ड आईएफएससी कोड डाल देंगे, यानी कि अपने पुराने इलाहाबाद बैंक का आईएफएससी कोड डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहां पर अपने पुराने इलाहाबाद बैंक का आईएफएससी कोड डाल देता हूं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपना पुराना आईएफएससी कोड डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना पुराना आईएफएससी कोड डाल देना है। तो फ्रेंड्स पुराना आईएफएससी कोड डाल देने के बाद आपको यहां सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहां ब्रांच का नाम देखने को मिल जाएगा और फ्रेंड्स यहां पर आपको ओल्ड आईएफएससी कोड और नीचे आपको यहां पुराना वाला आईएफएससी कोड और फ्रेंड्स उसके साइड आएंगे तो आपको यहां न्यू आईएफएससी कोड और फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर अपना नया आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा। तो अब आप जो है इसी आईएफएससी कोड का यूज अपने ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इलाहाबाद बैंक का नया आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर